हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। सो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड कंपनी के मार्केट में। यहाँ पर क्वार्टरली वन रिजल्ट आ चुके हैं। सो इस रिजल्ट्स के चलते हुए आपको इस शेयर के अंदर किस तरह का मोमेंटम फेस देखने को मिल सकता है और लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, इस कंपनी में आपको निवेश करना या नहीं करना है, तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हम इसी वीडियो के अंदर। सो आप वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा और उसके साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें आपको 0.8% का यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिला है क्वार्टरली बेसिस पर, और वो हो चुका है 1777 करोड़ रुपीज़। कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो भी क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर 79% गिरकर हो चुके हैं 13 करोड़ रुपीज़। सो क्वार्टरली रिजल्ट इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आए हैं, तो ऑल दो शेयर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट यहाँ पर आपको करंटली देखने को मिल रहा है। सो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते थोड़ा बहुत करेक्शन आपको इस शेयर के प्राइस के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। कंपनी का जो रेवेन्यू है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से वो 32% यहाँ पर बढ़कर हो चुका है 1777 करोड़ रुपीज़। एज वेल एज जो कंपनी ने पिछले साल लॉस किया था 147 करोड़ रुपीज़ का, अगर उसके हिसाब से अगर हम इस साल को कंपेयर करें वाई बेसिस पर, तो कंपनी ने इस साल 13 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट जनरेट किया है। अगर मैं इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1523.84 करोड़ का मार्केट कैप है, और जो कि इस कंपनी को एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाता है। फेस वैल्यू शेयर की 2 रुपीज़, बीटा है इसका 1.05, जो कि आपको इंडिकेट करता है कि अगर इंडाइसेस के अंदर अगर आपको 1% का मोमेंटम देखने को मिलता है तो इस शेयर के अंदर भी आपको 1.05% का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग चल रहा है 21.8। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी अगर हम शेयर को कंपेयर करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे खासे प्राइस टू बुक पे शेयर आपको मिल रहा है, डेट 0.39 का प्राइस टू बुक है, और बुक वैल्यू शेयर की 78.75 रुपीज़। अगर हम कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, जो अकॉर्डिंग टू द टिकर टाइप डेटा जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल 2020 एज वेल एज 2021 का, ये हमने जो डेटा है वो जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड DVR का जो चल रहा है उसका हमने भले ही ले लिया, बट अगर मैं यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ 2020 एज वेल एज 2021 का, तो कंपनी के परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर फॉल जरूर देखने को मिला 2020 से 2021 में, बट कंपनी 2021 में जो कंपनी की टॉप लाइन है उसके अंदर भी यहाँ पर आपको फॉल देखने को मिल रहा है, बट फिर भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में एक अच्छा सा ट्रेंड जो है अप ट्रेंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वाईओवाई बेसिस पर, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा सा टर्न अराउंड जो है यहाँ पर आपको शेयर के अंदर जरूर देखने को मिल सकता है। करंटली अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 ईयर हाई प्राइस इस शेयर का 97.9 रुपीज़ के नियर बाय, और करंटली शेयर चल रहा है 32 के नियर बाय, दैट इज 32.55 रुपीज़ के नियर बाय। सो अकॉर्डिंग टू द कंपनी रिजल्ट इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आया, तो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत फॉल आपको इस शेयर के प्राइस के अंदर यहाँ पर जरूर देखने को आपको मिल सकता है, डेट इज 30 या फिर 28 के प्राइस रेंज के अंदर अगर ये शेयर फिर से आते हैं तो मेरे हिसाब से आपको इसमें फ्रेश बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। सो होप करता हूँ देखो जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में जो क्वार्टरली वन रिजल्ट आ गए हैं वो आपको अच्छे से पता चल गए होंगे, और उसके ऊपर आपको क्या डिसीजन लेना एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू वो भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।